बताना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे और मीडिया के लोगों को भी मैं विशेष बात बताना चाहता हूं कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वी आर द प्रिविलेज्ड वंस दैट वी आर, कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनने का हमें सौभाग्य मिला है, ये हमारे लिए भाग्यशाली है। और फिर मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 30 साल से ज्यादा हो गया मुझे राजनीति में, मैंने जीवन के बड़े उतार चढ़ाव देखे, मैंने बहुत से राजनीतिक दलों को नजदीक से देखा है। मैं ये कह सकता हूं, और पत्रकार भाई मेरी बात नोट कर ले, कि भारतीय जनता पार्टी देश में अकेली पार्टी है जिसका वैचारिक पृष्ठभूमि है, जिसके पास कैडर है और जिसके पास मास फॉलोइंग है, ये है तो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात कि यह अकेली पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजिकल कंसेंसस है और आइडियोलॉजिकल कंफर्मिटी है और कंटिन्यूटी है। हमारा विचार जो 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था, उसी विचार को लड़ते हुए 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही किया, ये ताकत थी तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक ताकत। कोई भी राजनीतिक दल इतने लंबे समय में एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहा, यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो वैचारिक पार्टी है, जिसके पास आप जैसा कैडर है और जिसके पास मास फॉलोइंग है, यह है तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात, आजकल सारी पार्टियां ये परिवार की पार्टियां हो गई है, दे आर ऑल फैमिली पार्टी, दे आर ऑल डायनेस्टिक पार्टी, नेम एनी पार्टी, आप एक नाम लो वो परिवार की पार्टी निकलेगी। कांग्रेस पार्टी भी परिवार से बाहर नहीं है, मां बेटा बेटी सब वर्किंग कमिटी में, ये सब परिवार की पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे परिवार की पार्टी, ममता परिवार की पार्टी, बीजू एक व्यक्ति की पार्टी, YSRCP परिवार की पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति भारतीय राष्ट्रीय समिति परिवार की पार्टी, AIDMK परिवार की पार्टी, ऑल पार्टीज आर फैमिली पार्टीज। इट इज ओनली भारतीय जनता पार्टी विच इज अ पार्टी विद एन आइडियोलॉजी विद एन डॉक्टर मार्क पॉलिंग एंड विच एज नॉट ए कैंडल लाइक यू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए सारी पार्टियां परिवार की पार्टी है और हमारी पार्टी पार्टी ही परिवार है, पार्टी ही परिवार है, ये हमको समझना चाहिए।